वन गीत, तीन अंकों का रहस्यमय नाटक। वन गीत के पात्रों की सूची, भूमिका, बांध तोड़ने वाला बसंत की बाढ़ का देवता, पोते चारता, डुबाए अवैध बच्चों की आत्माएं, दो जलपरी जलराज। अंक एक, लेव मामा, लुकाश जलपरी, वनराज, मावका वनपरी, पेरेलेसनिक लुभाने वाला, मृत्यु की छाया नहीं बोलती, पोते चारता, कुछ दलदल में रहने वाला पिशाच। अंक दो, लुकाश की माँ, लुकाश, लेव मामा, मावका खेत परी, किलीना चल परी, चट्टान में रहने वाला मृत्यु, पेरेलेसनिक। अंक तीन, माँ का वनराज, कुछ झलीतनी दरिद्रता के भूत, लुकाश की माँ, किलीना बच्चा, लुकाश किलीना के बच्चे जो नहीं बोलते, भाग्य पेरेलेसनिक। भाग्य भी एक किरदार है, डेस्टिनी, भाग्य जो बाकायदा एक किरदार के रूप में यहाँ सामने आ रहा है। भूमिका, वोलीन का पुराना सा तथा घना सा निर्जन वन, वन के मध्य में एक काफ़ी बड़ा खुला मैदान है जिसमें एक बर्च का पेड़ तथा एक विशाल पुराना सा बांज का पेड़ उगा है। मैदान के किनारे सरपत के झाड़ शुरू होते हैं और पास में ही हल्के हरे रंग का दलदल दिख रहा है। यह जंगली झील का तट है जो एक जंगली झरने के सहारे बनी है। यह झरना वन से निकलकर झील में मिल जाता है और झील की दूसरी ओर से निकलकर वन में गुम हो जाता है। झील शांत है, हरियाली तथा कुमुदनियों से ढकी है, सागर मगर मध्य में साफ। यह स्थान बिल्कुल वीरान, रहस्यपूर्ण है परंतु उदास नहीं लगता। पोलिसिस्या के कोमल तथा सौंदर्यपूर्ण, स्वप्नपूर्ण सौंदर्य से भरा है। वसंत का आरंभ, पेड़ों के नीचे तथा मैदान पर पहली हरी घास उगी है और वसंत के पहले फूल खिले हैं। पेड़ों पर पत्ते अभी नहीं निकले हैं पर हरी कलियां लगी हैं जो जल्दी ही खिलने वाली हैं। झील पर कोहरा कभी शांत फैला रहता है, कभी पवन से हिलता है तो कभी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जिससे हल्के नीले रंग के जल का दर्शन हो पाता है। वन में से किसी कोलाहल का स्वर आया, झरना झूम उठा और उसके जल के साथ साथ वन से बांध तोड़ने वाला दौड़ आया। युवन, सुनहले बालों वाला, नीली आँखों वाला, उसकी गति जोश से भरी होने के बावजूद मृदु है। उसके वस्त्रों के रंग खेल रहे हैं, गहरे पीले से लेकर गहरे नीले तक, और तीव्र सुनहरी चिंगारियों से चमक रहे हैं। झरने से झील में लपक कर वह मडराने लगता है, सोए हुए जल को जगाते हुए। कोहरा छट जाता है, जल का नीला रंग गहरा हो जाता है। बांध तोड़ने वाला पहाड़ों से घाटी में दौड़ता कूदता लपकता हूँ, पुल सभी मैं तोड़ता हूँ, बांध भी तोड़ कर छोड़ता हूँ, और सब लट्ठों की सड़कें, लोगों की बनाई, युवन मुक्ति के प्रकार है वसंत का जल। जल को और उछालता है, डुबकी लगाकर वापस निकलता है, मानो जल में कुछ ढूंढ रहा है। पोते चारता, सफ़ेद कमीज पहने दो छोटे पीले रंग के बच्चे कुमुदनियों में से निकलते हैं। पहला,
भटक कर इधर आए क्यों? दूसरा, नींद से हमें जगाया क्यों? पहला, माँ ने हमें सुलाया था, नरम बिस्तर बनाया था, दलदल के पत्थरों पर कुमुदनियों से ढका था और धीमी सी आवाज़ में लोरी हमें सुनाई थी, लूली लूली लुल्लाता। सो जाओ बच्चों मेरे, लूली लूली लुल्लाता। दूसरा, इधर क्यों आए घूमकर? पहला, जाना है किससे मिलकर? बांध तोड़ने वाला, उस जलपरी से जिससे बचपन से प्रेम किया है। इस जल की राजकुमारी है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नारी। पर्वत में घूम कर आया हूँ, हरी घाटी हरा दर्रा, कहीं मिली न प्रिया से। इस झील की मालकिन जैसी घंघोलूंगा यह पानी, मिलेगी मेरी रानी, जोश में जल घंघोलता है। घंघोलूंगा यह पानी, मिलेगी मेरी रानी, पोत चाहता। ओ माँ, जल न घंघोलो, हमारा घर न तोड़ो, छोटी सी है गुफा हमारी, मम्मी ने जो बनाई है अपना घर, गरीब पिता न है करीब, अनुरोध करते हुए उसके हाथ पकड़ते हैं। हम जाएंगे झील के तले तक, जहाँ ठंडा अंधेरा फैला है, डूबा हुआ मछेरा लेटा है, उसी पर जलपरी बैठी है। बांध तोड़ने वाला, कहो कि उसको छोड़ दे और मेरे पास आ जाए। पुतिचारता झील में डुबकी लगाते हैं, ऊपर आजा प्रिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या अद्भुत इसका वर्णन है, बेहद खूबसूरत। और ये यूक्रेन की एक बहुत प्रचलित लोकप्रिय कवि लेसिया उक्राइन का नॉवल इन वर्स है ना, है खंड काव्य। और आप देखिए कि ये प्रकृति के अवयवों को नायक नायिका बनाकर कितनी सुंदरता के साथ लिखा गया है और इसका अनुवाद किया है मेरे मित्र यूरी बोटविनकिन जी ने। तो ये है किताब, आप सुन सकते हैं कितनी सुंदर उसकी भूमिका है और कितना सुंदर उसका शुरू का हिस्सा है। और मैं और सुनाती हूँ, मेरा पाठ पसंद करने के लिए धन्यवाद। ये जो तमाम जीव है, वन परी और जल परी और खेत परी और जलराज और ये और वो, तिलिस्मी किसी दुनिया के पूरी तरह से इमेजिन्ड शांतिपूर्ण दुनिया के अलग अलग किस्मों के क्रीचर्स, हमसे हम अकेले नहीं हैं। इस सृष्टि में और भी चराचर हैं और ये उनकी कथाएं आने वाली हैं। धन्यवाद।